मुझे ब्लेम कर रही हो? यू मैड? अटेंशन के लिए अक्का अपनी जान दांव पे लगाएगी। सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी बोली जा रही हो। तो बस ये मानसी, मैं ऐसी नहीं हूँ। वैसी मर्यादा तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। इसे बोलो ना कि मेरा पीछा छोड़े, मुझे टारगेट करना बंद करे, ऐसी ऐसी घटिया अहदाफ मुझे लगाना बंद करे प्लीज। और बात के लिए मैम, कन्हा ये सब क्या हो गया, कैसे हुआ? बेटा हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तू छप्पा ऐसे टाके के अंदर। ये भी सुना था कि मेहरबानी की तो बिल्कुल ठीक है, शानी बोला कि पर आप ऊपर गए क्यों थे अक्का? वो अभी आप टैंक के पास आ गए, तू उस स्मॉल टैंक में गिरी कैसे? तो तुम वहाँ कर क्या रहे? जानना चाहिए ये माजरा क्या है टेरेस का, जो मैन जो इल्जाम लगा रही है मानसी पे, क्या है ये? ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत हकीकत ये है कि उस मानसी ने मेरी बेटी को पानी की टंकी में धकेल दिया। हाँ। और वो मरते मरते बची है, बची है बेचारी। हाँ ये है माजरा। जानबूझकर कर रही है या क्या सीन? वो जानबूझकर कर रही है, ऑब्वियसली शी इज जेलस। वो बहुत जल कुकड़ी टाइप है महिला, और वो हमारी बच्ची को परेशान कर रही है, और हम बर्दाश्त किए जा रहे हैं। देखो कब तक बर्दाश्त करते हैं, सीरियसली। एक दिन हमारी आंखों में से जो आंसू फूटेंगे ना, आंसू नहीं कूटेंगे, आंसू नहीं फूटेंगे, हम कूटेंगे एक दिन। हाँ, आने वाले एपिसोड में आपको यही देखने को मिलेगा कि वो पानी की टंकी में गिरी पड़ी है, और हम होली का मना रहे हैं, होली का त्योहार मना रहे हैं। यही है आने वाले एपिसोड। जी देखिए, हमारे शो को देखते जाइए। वैसे आज हमारी टीआरपी बढ़ी हुई है, वी आर वेरी हैप्पी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।